एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैं बहुत दिनों से एक्टिव नहीं थी, तो आज फाइनली मैं एक और रिएक्शन वीडियो लेकर आ रही हूँ। और ये रिएक्शन वीडियो है कैट का, जो ऑफिशियल ट्रेलर है, जिसमें आई एम वेरी श्योर आप सबके भी फेवरेट हैं, मेरे भी फेवरेट रणदीप हुड्डा हैं। एंड एक चीज़ और बता देती हूँ, मैं इतना तैयार इसके लिए नहीं हुई हूँ। एक्चुअली मैं एक आउटडोर शूट कर रही थी, उसके बाद मैं सीधा आई हूँ रिएक्शन वीडियो बनाने के लिए। तो आप ये मत सोचना कि आज मैं इतनी अलग क्यों लग रही हूँ। और मैं फटाफट से ट्रेलर स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद आगे की वार्तालाप करेंगे। यार, बड़ी मुश्किलों से पंजाब को आतंकवाद की इस काली आंधी से निकाल के लाए थे, पर अब इसे नशे के सफेद बादलों ने घेर लिया। वो तो स्टूडेंट है, एक बार वार्निंग देके छोड़ देंगे तो। एग्जाम में चीटिंग नहीं कर रहा था, ड्रग्स बेच रहा था तेरा भाई। ओ सनी, तू चिंता ना करना, मैं करता हूँ कुछ। गुरनाम, जो आग आज तेरे घर लगी है, वही आग आहिस्ता आहिस्ता सारे पंजाब को जला रही है। बोल, बनेगा मेरे लिए एक बार फिर कैट? अगर जनता के मन में हमारे खिलाफ सवाल पैदा हुए हैं तो जवाब तो हमें देने पड़ेंगे ना। उनमें मिलके उनकी हर एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुंचाने। नाम क्या तेरा? गुरनाम सिंह। डैडी, नया बंदा नहीं रखना चाहिए अभी? अरे कुछ नहीं होगा, और अगर हो गया तो है ना इसका छोटा भाई सनी। एफिड्रिन उसमें मिक्स होके कनाडा भेजा जाएगा। आप वही देख रहे हैं, वही समझ रहे हैं जो बंदा आपको दिखा रहा है, समझ गए? क्यों किया मेरे साथ धोखा? दिस वॉज रियली अमेजिंग ट्रेलर। आई मीन सबसे पहले तो रणदीप हुड्डा पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ वही थे इसमें। और इसका स्टोरी लाइन जो मुझे समझ में आया वो ये है कि रणदीप हुड्डा पंजाब से हैं, और उसमें उनका भाई है जो कि ड्रग्स के केस में पुलिस में चला जाता है। एंड देन ही ट्राइज टू सेव हिम। वो उनको जाते हुए जब वो उसको लेके जा रहे होते पुलिस वाले, तो उसमें उसको बोलता है कि सन्नी तू चिंता मत करना, मैं तुझे बचाऊंगा, जो भी उसने बोला। और फिर उसके बाद वही पूरी स्टोरी है। फिर वो एक कैट करके कुछ बोलता है, कैट का क्या मतलब था मुझे नहीं पता, तो आप लोग मुझे बता देना, अगर आप लोग को पता है तो कॉमेंट्स में बता देना मेरे को। तो वो बोलता है कि क्या तुम कैट बनने के लिए रेडी हो फिर से, मतलब कि वो उनके बीच में रह के सारी चीज़ें, मतलब था उनके साइड, लेकिन उनको ये दिखा रहा था कि मैं आप लोग के साइड हूँ। और सारी जैसे मुखबरी करते हैं काइंड ऑफ, वैसा वाला रोल है इनका। और फिर वो कैसे अपने भाई को बचाएगा जेल से, वो भी इसमें पूरा मूवी में आई थिंक वही है। और रणदीप हुड्डा ही है इस मूवी में, मतलब करता धरता आप बोलोगे, एंड ही इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ऑल्सो इस मूवी का मुझे थोड़ा थोड़ा टाइटल जैसे उड़ता पंजाब में था ना, कि पंजाब का दिखाया हुआ था कि कैसे पंजाब में लोग ड्रग्स के उसमें कितना घुस गए हैं, और इसमें भी वही दिखाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब के लिए ही स्पेशली बनाई हुई है, क्योंकि पंजाब में ड्रग्स का बहुत ज़्यादा, हमने भी सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने काफ़ी सुना है। तो वहाँ का जो यूथ है वो ड्रग्स में बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो ये रियलिटी वहाँ की आई थिंक दिखाई हुई है इसमें। और हाँ, और रणदीप हुड्डा को हमने काफ़ी सारी मूवीज़ में देखा है, मुझे तो सबसे अच्छी एक्टिंग उनकी उसमें लगी थी, ऐश्वर्या राय के साथ आई थी उनकी एक मूवी, जिसमें वो वहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस हो जाता है उनका, फिर वो जेल में ही रहते हैं, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, बट उसमें उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। उसके बाद मैंने उनकी सुल्तान देखी थी, उस बीच में भी और भी मूवीज़ थी जिसमें इमरान हाशमी के साथ भी आए थे, पुलिस का कैरेक्टर किया था उन्होंने। तो ही इज़ सच ए वर्सटाइल एक्टर, बहुत अच्छे एक्टर है, लेकिन उनको कभी मुझे ऐसा लगता कि वो मिला नहीं एक, जैसे राजकुमार राव है, विक्की कौशल है, इन लोग को एकदम से लाइमलाइट मिल गया। रणदीप हुड्डा इतने अच्छे एक्टर है, लेकिन आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न कि वो उनको वो रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट है लेकिन दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब कि हाँ बहुत उस पे लेवल पे नहीं मिला है अभी, जो कि वो डिज़र्व करते हैं, ही रियली डिज़र्व इट। और या मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, एंड ये 9 दिसंबर को आ रही है नेटफ्लिक्स पे, सो आई एम डेफिनेटली गोना वॉच इट। एंड आई रियली होप आप लोग को ये ट्रेलर अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो भी अच्छी लगी हो,
और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे मत जाना, क्योंकि मैं रिएक्शन वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। और मैंने थोड़ा सा चेंज करने का भी सोचा है बीच में, कि जो मीम्स होते हैं वायरल मीम्स वगैरह, और भी कुछ वीडियोज़ पे, मतलब ट्रेलर और सॉन्ग्स को छोड़ के और भी किसी और चीज़ पे जो कि काफ़ी ट्रेंड में चल रहा हो, उस पे रिएक्शन बनाने का। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ये आइडिया अच्छा है कि नहीं है। मुझे तो अच्छा लगा, आई मीन आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। तब तक मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।